की सरकार नहीं चाहिए, चोरों की सरकार कौन सी है? बसपा है यही है। ये तो बताती रहे पब्लिक है जी। गुंडों की सरकार खत्म होली और इससे अच्छा क्या चाहिए? दंगा फसाद कुछ नहीं हो रहा, योगी का राज में खुलाम फिर रहे, किसी के बाद तमंचा भी का जो होगा था वो अंदर है। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के चरथावल विधानसभा क्षेत्र, जो कि जिरोधा गांव है, वहां पे पहुंच चुका हूं। और यहां में जनता इकट्ठा हुआ है, इनसे हम पूछेंगे और कि इन यहां का रुख क्या है और इस बार माहौल क्या है चुनावी। बाकी माहौल तो बहुत गर्मा गर्म है, तो इस माहौल को इसी गर्मा गर्मी में शुरू करते हैं। हाँ जी, कौन जा रहा पार? पार तो जी बस ये है, अखिलेश। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी क्यों पार जा रहे हैं जी? बस काम अच्छा करा जी पहले। क्या क्या काम अच्छे करे जी? विकास करवाया। तो और ये मोदी सरकार ने काम किया है क्या? नहीं, बीजेपी सही है। सही है तो अच्छा, तो बीजेपी को वोट जा रही है? हाँ, दोनों की टक्कर है। दोनों की टक्कर है, तो कौन सी टक्कर में टक्कर मार रहे हो तुम? टक्कर तो हम यही मार रहे जी, चौधरी साहब के साथ में। चौधरी साहब पार है जी? हाँ जी। भाई साहब बीजेपी की तरफ कौन जा रहा है? ओहो, ये भाई साहब जा रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी की तरफ जा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्यों बीजेपी पसंद है? किस लिए पसंद? काम किया? क्या अच्छा काम किया बताओ? कौन सा अच्छा काम नहीं किया एक बताओ हमें? गुंडों की सरकार खत्म होली और इससे अच्छा क्या चाहिए? ओ भाई साहब, ये कह रहे गुंडों की सरकार है, अखिलेश सरकार गुंडों की सरकार है। हाँ जी भाई साहब, भाई साहब गुंडों की सरकार। हाँ जी, गुंडों की सरकार लेके आओगे? गुंडों की सरकार तो नहीं जी, ये तो बता रहे। ये तो बताती रहे पब्लिक है जी, कुछ बता ये काय को बता रहे मेरे? कुछ गुंडा कर दिया तो तुम पब्लिक में ना आते, तुम भी पब्लिक में ही हो। पब्लिक में ही है तो पब्लिक है, सब जानती है। बता दो क्या है? क्या बताओ बताओ? 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा की है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने? तुम्हारे योगी जी भी कह रहे हैं? अरे फ्री कुछ नहीं चाहता, 300 यूनिट फ्री। एक बात तो हमारी बात तो सुन लो, हमारी बात तो सुन लो। योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म करी भाई साहब? हाँ जी करी। करी बिल्कुल नहीं करी, बताओ। ये तो सच्चाई है, मौके पर सच्चाई है, बताओ। ये कह रहे जी गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ जी बताओ भाई साहब। बिल्कुल यूपी में से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। आज की तारीख में कहीं भी जाके देख लो, रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी निकल जाओ, इस टाइम सभी लोग सुरक्षित है, ठीक है? सपा की सरकार में आदमी, सुनो, यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं ना लोग, यूनिट फ्री आदमी गया काम पे, अपनी रोजी पे पहुंच गया। हाँ जी। 500 रुपए कमाए उसने, शाम को बेच नहीं के बताओ। ये कह रहे भाई साहब, भाई साहब ये कह रहे हैं चाहिए इन्हें गुंडा गुंडा राज मुक्त सरकार चाहिए, चोरों की सरकार नहीं चाहिए। चोरों की सरकार कौन सी है? बसपा है यही है। बसपा? बसपा चोरों की सरकार? बसपा सपा कांग्रेस चोरों की सरकार है। अच्छा 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 भाई साहब एक बात बताओ, ये बहन जी का कैसा माहौल है? बहन जी का तो भाई 0% है। क्यों जी? बस काम ही नहीं है कुछ भी उन लोगों का। क्यों काम क्यों नहीं? काम ही नहीं है बताओ। तो बीजेपी क्या सीट निकली उनकी? तो अब क्या ये कुछ तुम्हारे गांव के कुछ लोग चंद्र लोग ही दिख रहे हैं मुझे भाई साहब, जो बीजेपी की टक्कर पे है, बाकी सब सपा के। भाई साहब 300 से भी पहले 325 थी 24, उससे भी ऊपर सीटें जाएंगे बीजेपी की। बीजेपी ऐसा क्या है? अभी जैसे किसान फूक रहे हैं, किसानों में दंगे हो रहे थे, किसान % थे वहाँ, कितने % थे? 6% भी थे, डकैत बैठते थे, सारे डकैत थे। किसान तो भाई खेतों में अपना काम कर रहा है, उसके पास टाइम। अच्छा अच्छा भाई, बीजेपी ने क्या नहीं करा ये बताओ हमको? क्या कोटा मिल रहा है सबको बताओ? बिजली ऐसी आ रही है 24 घंटे 24 घंटे आ रही है। अखिलेश की सरकार में रात को मच्छर छत्तक रहे थे। अखिलेश की सरकार में 48 घंटे बिजली आई। 48 घंटे बिजली आ भाई? हाँ जी। हमने तो न्यूज सुनी भाई साहब, 4-5 घंटा आ भाई। जा भाई, 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। किसने करवाया? योगी ने करवाया, योगी ने 15 दिन में भुगतान। ये कह रहा भाई साहब 15 दिन में एम्बुलेंस फ्री, 102 फ्री, 160 फ्री, अखिलेश यादव ने दी योजना। हाँ, और यादव ने दी, और गुंडागर्दी भी फ्री। भ्रष्टाचार तो बीजेपी मम्मी। कहाँ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार कहिए भाई साहब, भ्रष्टाचार है कहाँ हमको तो बताओ। बता दो सारे अधिकारी ऐसे है जी। बताओ कौन सा दंगा हुआ बीजेपी में? कौन सा दंगा हुआ? अखिलेश की सरकार में सारे दंगे अखिलेश की सरकार में हो रहे। हमें कहीं भी जरा सी दिक्कत नहीं है,
तो कौन सी सरकार बढ़िया लगी? बीजेपी की सरकार ही बढ़िया लगी, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और जो दंगे फसाद हो रहे हैं, किसान परेशान है? किसान देखो जी, राशन भी फ्री मिल रहा है सबको, दो योजना में सब चीज मिल रही है। देखो नमक भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहे, अनाज भी मिल रहा, रिफाइंड भी मिल रहा, और चने भी मिल रहे जी। चने भी खा रहे हो? ओ घोड़ा हो गए घोड़ा। अच्छा बहुत बढ़िया। ये भाई साहब आए स्कूटी से। हाँ जी, कैसा माहौल चल रहा है? कौन सी सरकार बढ़िया है? किसको आप लाना चाह रहे हो? यहाँ तो लोग दलाओगी भाई। लोग दलाओगी, क्यों आएगी जी? ये तो सब कह रहे हैं बीजेपी पार है, किसान है, क्यों कह रहे हैं? सुपड़ा साहब है सपा लोक दल का। अजी हाँ, यहाँ सब किसान हो, एक सारे किसान हो जी। तो मतलब बीजेपी किसानों के लिए बढ़िया सरकार ना? तो फिर दो साल वहाँ पड़े रहे। कहाँ पड़े रहे? गाजीपुर। गाजीपुर पड़े रहे। तो मतलब आप परेशान हो जी, बीजेपी किसानों की ना सुनती है? लेकिन बाद में तो सुन ली थी। अरे बाद में जब मर जाए, जब कोई सुन लो बात, फिर क्या फायदा? ये कह रहे हैं भाई साहब, मरने के पीछे कोई पुकार ना होती है, ऐसे ही है जी? ये सही कह रहे हैं भाई साहब। कहाँ गए बीजेपी वाले, कहाँ गए? हाँ भाई साहब, हाँ जी, ये रहे। हाँ जी, ये कह रहे हैं हमारे पीछे कोई पुकार ना होती है। पूरा खानदान बीजेपी को वोट देगा। क्यों देगा? बीजेपी ने इलेक्शन जो पहला हुए थे, कर्फ्यू लगा था, किसी ने फ्री राशन नहीं खिलाया था, आज गरीबों को रोटी खाने को मिली। फ्री रोटी खाने को मिली गरीबों को। और जी ये जो दंगे फसाद, दंगा फसाद कुछ नहीं हो रहा, योगी का राज में खुलेआम फिर रहे, किसी के बाद तमंचा भी का जो होगा था वो अंदर है। बहुत बढ़िया। भैया यहाँ की जनता का माथा है घुमा हुआ, कोई है रोजगार से परेशान, किसी को मिल रहा है भरपूर सामान, और कोई कहता है भाई साहब क्राइम रेट हुआ है जीरो। अब देखते हैं यहाँ का कौन बनेगा हीरो। तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।